हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक फिनटेक प्रोग्राम के बारे में। तो उसे स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में मैं सारी डिटेल में बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एप्लीकेशन फी क्या है, प्रोग्राम फी क्या है, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। और साथ ही में आप लोगों ने सुना होगा कि सैलरी पैकेज इसकी 8 लाख पर एनम है, तो क्या ये सही है या गलत है, उसके साथ साथ में लास्ट डेट क्या है इसकी, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में फिनटेक प्रोग्राम के बारे में। साथ ही में मैं आपको सिस्टम पे भी लेके जाऊंगा और वहां पर से आपको बताऊंगा कि आप कहां पर से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको सिस्टम पे वो वेबसाइट खोल करके दिखाऊंगा, मतलब ओपन करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन फी है वो है 999 रुपीज, मतलब 999 रुपए इसकी एप्लीकेशन फी है। साथ में बता दूं कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो है 24th of August 2020, मतलब के 24 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और जो सैलरी आप लोगों ने सुनी है कि 8 लाख पर एनएम है, बिल्कुल सही बात है, ये वेबसाइट पे भी है, मैं आपको लास्ट में सिस्टम पे दिखा भी दूंगा ये वेबसाइट ओपन करके। साथ में बता दूं कि इस प्रोग्राम के लिए जो फीस है वो फीस है 2.5 लाख रुपए प्लस टैक्सेस, मतलब के 2,50,000 रुपए प्लस जीएसटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप इस प्रोग्राम के लिए जो ये फीस है आप ये लोन भी ले सकते हैं, आपको एक्सिस बैंक के द्वारा लोन भी मिल जाएगा। लेकिन आप अगर लोन का जो क्राइटेरिया होता है वो अगर फुलफिल करते हैं तो आपको आराम से लोन भी मिल जाएगा। साथ ही में आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन लैपटॉप आपके प्रोग्राम फीस में इंक्लूड नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी आपको ये बता दूं कि बीई या बीटेक, बीई मींस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक मींस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर जिन्होंने एमसीए किया हुआ है तो वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो ये ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपने बीई या बीटेक जो किया है वो आप होने चाहिए पास आउट 2017, 2018, 2019 या 2020, मतलब 2017 से लेके 2020 के जो पास आउट हैं वो मतलब के इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज अगर आप 2016 के हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। और साथ ही बता दूं कि आपके मैट्रिक में मतलब के 10th क्लास 12th क्लास एंड आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वो मिनिमम आपका 60% से होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप वहां पर फिल कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो आपके सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो होने चाहिए वो मिनिमम 60% से पास आउट होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका 5 स्टेप्स में है। तो पहला स्टेप जो है आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपका एकेडमिक इंटरव्यू होगा। तो ये एकेडमिक इंटरव्यू जो है ये आपका मणिपाल एकेडमी की जो टीम है उसके द्वारा लिया जाएगा। जो थर्ड स्टेप है वो है आपका इंटरव्यू विद एक्सिस बैंक, मतलब के एक्सिस बैंक वाले भी आपका इंटरव्यू लेंगे। और जो फोर्थ स्टेप है ये सिर्फ और सिर्फ 18 वीक्स का प्रोग्राम है, मतलब के 18 हफ्ते का प्रोग्राम है। उसके बाद जो पांचवा और फाइनल स्टेप है कि अगर आप ये सारा क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब कि 18 हफ्ते की ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका एक्सिस बैंक में एज अ डिप्यूटी मैनेजर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही बता दूं कि इस सर्विस का कोई बॉन्ड नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बैंकों में 1 साल 2 साल 6 महीने का बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे नो सर्विस बॉन्ड। उसके बाद साथ ही आपको बता दूं कि सिलेक्शन के बाद जो है आपको 10,000 रुपया लगता है जो कि सीट बुकिंग के लिए होता है, ठीक है। उस टाइम पे आपको सीट बुक करना है। सिलेक्ट होने के बाद जब आप इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 10,000 रुपीज पे करना होगा, वो आपका सीट बुकिंग के लिए होता है। उसके बाद जो बाकी की फीस है वो आपको बैच स्टार्ट होने के पहले सबमिट करना पड़ता है, मतलब कि पे करना होता है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये आपका ऑनलाइन होगा। जी हाँ, ये जो 18 सप्ताह का प्रोग्राम है, 18 वीक्स का, ये आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ, उस वेबसाइट पर ले जा करके और भी जो क्वेश्चंस है, जो डाउट्स है, वो आपके और भी इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है उसकी वेबसाइट, एक्सिस बैंक की वेबसाइट, स्कूल ऑफ फिनटेक। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है स्कूल ऑफ फिनटेक
पावर्ड बाय मणिपाल। और मैं बता दूं कि इसका जो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पर उस लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। और यहां पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो 24th of August है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम फीस भी लिखी हुई है, एप्लीकेशन फी है, एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स में जो मैंने आपको बताया, और ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है जो आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो 18 वीक मैंने बताया वो दो पार्ट में आपकी ट्रेनिंग होगी। एक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम और 7 वीक लाइव प्रोजेक्ट्स, मतलब कि आपका जो 18 वीक है 18 सप्ताह वो दो पार्ट में आपका होगा, ठीक है। 11 वीक जो होगा मतलब 11 सप्ताह वो आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, और 7 वीक जो होगा वो आपका लाइव प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक्स आपको कवर किया जाएगा वो है ये सारा, ये चारों टॉपिक। इसमें आपका जावा स्क्रिप्ट भी इंक्लूड है और क्लाउड कॉन्सेप्ट भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग पार्टनर है मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ऑफ BFSI, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है FAQ, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। ये 4 सेक्शन है, इस चारों सेक्शन पे आप जब इस वेबसाइट पे आओगे तो सारे क्वेश्चंस को आप रीड कर लेना, तो जो भी आपके डाउट्स है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो व्हाट इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यहाँ लिखा हुआ है कि 18 वीक का प्रोग्राम है, 11 वीक जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग है, 7 वीक आपका लाइव ऑनलाइन प्रोजेक्ट होगा, और आप ज्वाइन करोगे एक्सिस बैंक एज डेप्यूटी मैनेजर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, तो ये वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा आपका, ठीक है। तो दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा, वो होगा फंक्शनल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। इसमें आपका वर्बल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, प्रोग्रामिंग एबिलिटी, कोड करेक्शन, कोडिंग शॉर्ट एंड कोडिंग लॉन्ग, ये आपका टोटल ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होगा आपका वो होगा बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। इसमें जो आपका होगा वो होगा विलिंगनेस टू लर्न एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि 40-40 आपको क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद आप नीचे आते जाओगे तो आपका जो भी डाउट्स है कि प्रोग्राम फी क्या है, उसके बाद लोन कैसे ले सकते हैं, ये सारा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को हमेशा डाउट होता है सारे प्रोग्राम में, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट कम्प्लीट द प्रोग्राम, मतलब अगर आप प्रोग्राम कम्प्लीट नहीं कर पाते हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि द फाइनल जॉब ऑफर विल बी विथहेल्ड, मतलब कि जो नौकरी की पेशकश होगी वो रोक दी जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप फेल कर जाओगे, मतलब आपको सेकेंड चांस मिलता है पास करने के लिए, ठीक है। आप पास करोगे आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये वाले सेक्शन पे जब आओगे तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इज देयर एनी सर्विस बॉन्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है नो, देयर इज नो सर्विस बॉन्ड, मतलब कि आप पे कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। उसके बाद जब आप ये वाले सेक्शन पे आओगे तो इस सेक्शन पे आने के बाद आपको देख सकते हो एक क्वेश्चन है, विल आई बी पेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था एक्सिस बैंक फिनटेक प्रोग्राम के बारे में। तो जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की हुई है या फिर MCA जिन्होंने भी किया हुआ है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपकी सैलरी भी अच्छी है। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।